हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। बाहर हो रही है झमाझम तेज बारिश और मौसम बहुत ही सुहावना हो रहा है। और इस बारिश के मौसम में अगर आपको भी कुछ चटपटा सा खाने का मन हो रहा है तो चलिए आज मिलके बनाते हैं एक बहुत ही टेस्टी सा स्नैक, स्वीट कॉर्न एंड चीज़ लॉलीपॉप। और इसे मैं फ्राई करके नहीं बनाऊंगी, तो आप इसे बिना गिल्ट के इंजॉय भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसे बनाना कैसे है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है थोड़े से कटे हुए ऑनियंस। यहाँ पे मैंने एक बड़ा ऑनियन लिया था और उसे चॉप कर लिया था। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 4 मीडियम साइज़ के बॉयल्ड और मैश्ड आलू। इन आलू और प्याज में मैं मैश कर रही हूँ लगभग 100 ग्राम के करीब पनीर। इसे भी मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी शिमला मिर्च। यहाँ पे मैंने एक छोटी शिमला मिर्च को बारीक चॉप कर लिया था। नेक्स्ट चीज़ जो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ वो है मैश की हुई चीज़ का क्यूब। यहाँ पे मैंने 2 क्यूब चीज़ के ले लिए थे और इसमें चीज़ डालने की वजह से ये बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आने वाला है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्वीट कॉर्न। यहाँ पे मैंने एक बाउल स्वीट कॉर्न इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसे तीखा बनाने के लिए मैंने इसमें 2 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, उन्हें भी मैंने बारीक काट लिया था। फ्लेवर के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ओरिगैनो, आप चाहें तो हरी धनिया भी डाल सकते हैं। और ये मैं ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स। और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक चीज़ में भी था इसलिए आप उसे एडजस्ट कर लीजिएगा क्वान्टिटी को, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दीजिएगा। ये डाल रही हूँ मैं मैगी का मसाला है मैजिक, इसकी वजह से इसका फ्लेवर नेक्स्ट लेवल पे इन्हेंस हो जाता है, तो आप इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें पाव भाजी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देंगे जिससे कि सारे फ्लेवर्स मिक्स हो जाएं। और ये देखिए, ये बॉल जैसा बनने लगा है। अगर आपका मिक्सचर थोड़ा सा गीला हो तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने लिया है ये आइसक्रीम वाली स्टिक्स और इसके ऊपर हम अपने इस मिक्सचर को शेप देंगे। आइसक्रीम स्टिक्स के ऊपर हम इसे अच्छे से शेप दे देंगे। अगर ये मिक्सचर आपके हाथों में चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा ऑयल अपने हाथों में भी अप्लाई कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमने अपनी सारी आइसक्रीम स्टिक्स को शेप दे देना है। अगर आप चाहें तो आइसक्रीम स्टिक्स की जगह जो हम लोग सूप के साथ ब्रेड स्टिक्स सर्व करते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इस स्टेज पे अगर आपको लगता है कि अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा है तो आप उसमें एक चम्मच कॉर्नफ्लोर या राइस फ्लोर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से हमने अपनी सारी स्टिक्स को तैयार कर लिया है, सारे लॉलीपॉप्स को। और अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम इसे कुक करने के लिए चलते हैं। तो आप चाहें तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैंने इसे एक हेल्दी ऑप्शन देने की कोशिश की है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें एक वेजिटेबल ऑयल डाल रही हूँ और इसमें हम उसे सेक लेंगे। तो इस तरह से मैंने अपने सारे लॉलीपॉप्स को तवे पे अरेंज कर दिया है। इतनी क्वांटिटी में हमारे लगभग 10 से 12 लॉलीपॉप आराम से बन जाएंगे। टेम्परेचर को इस समय हमें मीडियम पे रखना है जिससे कि ये धीरे धीरे गोल्डन फ्राई हो जाएं। गोल्डन कलर आने तक हम इसे उलट पलट के सेक लेंगे। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और इन्हें आप इजीली घर में बना भी सकते हैं। तो जब भी आपका कुछ चटपटा सा खाने का मन हो और वो भी नॉन फ्राइड, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इन लॉलीपॉप्स को आप स्टिक्स पे अरेंज करके काफ़ी दिनों तक फ्रीजर में भी रख सकते हैं, और जब भी आपका खाने का मन हो बस उसे रूम टेम्परेचर पे आने के बाद उसे फटाफट से आप ऐसे सेक सकते हैं या फ्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही है तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।